दोस्तों आज मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए मिक्स वेज। इसमें मिक्स वेज सब्जी के लिए मैंने टमाटर लिए हैं, आलू लिए हैं, मटर लिए हैं, गाजर लिए और शिमला मिर्च लिए। इन पांचों चीज़ों को मिला के मैं आज मिक्स वेज बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपनी मिक्स वेज सब्जी बनाने के लिए। सभी सामान देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमें मिक्स वेज के लिए चाहिए होगी। दोस्तों हमने 2 से 3 मीडियम साइज के आलू धो के काट लिए हैं। मटर हमने छील के एक बाउल में कर लिए। एक शिमला मिर्च हमने धो के काट लिए है। एक गाजर हमने बारीक पीसेस में काट लिए है। 3 मीडियम टमाटर हमने धो के मीडियम पीसेस में काट लिए। दोस्तों हम आलू, गाजर, मटर और शिमला मिर्च की मिक्स वेज की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल ऐड कर लेंगे। दोस्तों हमारा तेल गरम हो गया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। और जीरे के साथ ही हम इसमें अपनी मटर ऐड कर देंगे, जिसे हम हल्का सा तेल में फ्राई करेंगे। एकदम हम लो फ्लेम पे अपनी मटर को हल्का सा 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। दोस्तों अब हम इसमें अपने प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। मैं 2 चम्मच प्याज का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगा और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूंगा। और हल्का सा इसे पकाऊंगा 2 मिनट। मैंने अपनी प्याज और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा पका लिया है। अब इसमें मैं लाल मिर्च ऐड करूंगा पिसा हुआ धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर और नमक ऐड कर दूंगा। और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे थोड़ा सा भूनूंगा। अपने मसाले को अच्छी तरह से भून लूंगा। दोस्तों मसाला डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से अपने मसाले को भून लिया है। अब इसमें मैं अपने कटे हुए टमाटर ऐड कर देता हूँ, जिन्हें मैं 2 मिनट पकाऊंगा मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद मैं अपनी दूसरी सभी सब्जी जो कि मैंने काट के तैयार रखी हुई है इसमें ऐड कर दूंगा। दोस्तों टमाटर डालने के बाद 2 मिनट जैसे हो गए, अब मैं सभी अपने दूसरी कटी सब्जियां इसमें ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि आलू और जो हमने गाजर काटी हुई थी और शिमला मिर्च। और अब मैं इसे थोड़ा सा चला लेता हूँ।
दोस्तों आप ये सब्जी हल्की सी रसे वाली भी बना सकते हैं और आप चाहे तो इसे एकदम ड्राई भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप ये सब्जी बना सकते हैं। तो हमने अपनी सब्जी को मिला लिया है, अब आलूओं को गलाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसी पानी में हम अपनी ये सब्जी तैयार कर लेंगे। दोस्तों इसे एक बार और हम चला देते हैं, उसके बाद इसको लो फ्लेम पे ढक्कन ढककर हम अपनी सब्जी को पकाएंगे। मैंने ज़्यादा रसा नहीं किया है, सिर्फ आलू गले इतना ही पानी इसमें ऐड किया है। तो दोस्तों अब इसे हम 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे ढक्कन ढक के पका लेते हैं, जिससे कि हमारे आलू गल जाए। दोस्तों हमारी सब्जी बनकर लगभग तैयार हो गई है, अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे जो कि हमने पीस के रखा हुआ है, और उसके बाद हम अपने गैस को बंद कर देंगे। मैंने हल्का सा इसमें रसा किया है, आप चाहें तो एकदम ड्राई भी इसे बना सकते हैं। तैयार है हमारी मिक्स वेज की सब्जी, अब इसे मैं हरे धनिए से गार्निश कर लूँगा। दोस्तों हम हरे धनिए से अपनी सब्जी को गार्निश कर लेते हैं और उसके बाद सर्व कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, मटर, गाजर, आलू और शिमला मिर्च की मिक्स वेज खाने के लिए एकदम तैयार है। अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको मेरा ये वीडियो और रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।